ये जो आप दे सकते हैं अगर फिर भी ना तो फिर वही साहब जो है जवाब दे रहे हैं। सवाल नंबर एक है हमारा, इब्राहिम जो है वो कौन था, किस सूरह में इसका जिक्र है, वो किस ईस्वी में ये हमला किया था मक्का पर। अब्रा जो था वो यमन का जो है वो एम्परर था, किंग था, सूरतुल फील में उसका जिक्र है। और जिस साल में वो उसने अटैक किया था वो था 570 और उसको कहते हैं आमुल फील। क्या मिलेगा जोर से जमा कर देते हैं, इनका नंबर वन आ गया ना आंसर, जिसने आंसर ज्यादा किया उसको इनाम ज्यादा आंसर वाले को जॉब। अच्छा सवाल नंबर दो, इंशाल्लाह भाई हलीमा सादिया का तल्लुक किस कबीले से, उनके कबीला किस बनी साद बनू हवाजन है। अच्छा किसी को आगे जनाब सवाल हार गया, सब बनी साथ बोलते हैं। जी इस पे थोड़ा इख्तलाफ है, कोई सब कह रहे हैं बनी साथ सही है, हवाजिन सही है, सही से असल में वो रहे होंगे तो बनी साथ में जब होंगे उस वक्त, इसीलिए कि वहाँ आप की वहाँ परवरिश हुई है तो लोग इसलिए बनी साथ कहते हैं, लेकिन हो सकता है बैक में उनका आगाज यहीं से बने। ठीक है इंशाल्लाह। सवाल नंबर तीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारदा का इनकार इंतकाल किस जगह पर हुआ। अबवा तो कुछ मास्टर स्मार्ट वे में कीजिए आप, वन साइडेड अपने बोल रहे हैं बस, बाकी सब आप प्लीज स्टॉप बोल के बोलना चाहिए आपको, आप भी इन्वॉल्व करें। ये सवाल तीन सवाल के जवाब कोई बस अब रियाज भी आप जवाब नहीं दे, हाथ उठाए ना उसको, हाँ हाथ उठा ले, हाथ उठाए, ठीक हो गया। चलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का कौन लेकर आए थे, उनका नाम जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो आपको मक्का में कौन ले गया। अब मैं अभी आपने देखूंगा, हाँ जी वही नहीं चैलेंज बता दें, उम्मे अहमद अहमद वेरी गुड, इनकी बहुत इनका नाम है जिनके रियाज रहेगा मैं जान, ये सर बच्चों को भी पता है जी माशा बच्चों टीचर है इसीलिए अच्छा जी। गजवा उहद और गजवा खैबर में क्या जिम्मेदारी निभाई इन्होंने, उमैर अयमन ने क्या इन्होंने जिम्मेदारी ये खाना बनाने की और जो भी जिसका भी जख्म लगा उसको मरहम लगाने की। सवाल नंबर चार है, शाम के पहले सफर में किस ईसाई राब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से आगाह किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी। उम्र तो 9 साल थी है, 9 साल। अच्छा जी और जी आमिर फोहेरा जी बहेरा राह जी वो तो ठीक है बहेरा राह। दूसरा आपकी उम्र सर 11 साल, 11 भी है 9 भी 16 है, मेरे सवाल नंबर 5, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल तबलीग किए। 13 साल ये 13 साल मक्के 13 साल मदीना में 10। ठीक है
जिसे आंसर हो गया ना उससे नहीं आंसर लेंगे माशाल्लाह। अभी जैसा गलत आंसर बताए तो आप बोलिए बोल के दूसरे और यहाँ पर वो थे किसके गुलाम थे और किस गजवा में हजरत बिलाल ने उन्हें कत्ल किया था, हजरत बिलाल किसके गुलाम थे और इन्होंने गुलाम नहीं उनको कत्ल किया किस गजवा में, दो सवाल है बस में अभी ये जो है ना किसी के पास जवाब नहीं आप पूछ दोनों कोना ये कोना बड़ा जबरदस्त है। आप एक सवाल का आप देंगे गज़वा बदर में गज़वा बदर और जो उनका नाम उसका जो मास्टर था ना उसका नाम था उमैया बिन खलफ। अच्छा जी हिजरत हबशा उला में कितने लोग थे मर्द औरतें किस नबी में हिजरत हुई ये तीन नबवी में हुई है जी ठीक है और 71 पीपल थे 71 ये पहले की बात पहले 46 पहली इसमें नौ मर्द और गालिबन तीन औरतें थी जी इसमें 12 एक औरत और 11 मर्द। हाँ जी इसमें चार औरतें 11 मर्द थे और किस नबी में हुआ ये तीन नहीं पांच नबी ठीक है जी। सवाल नंबर 8 हिजरत अफ़्शा थानी में किसने क़यादत की जी कल सवाल नंबर 9 बनी हाशिम का माशरती बायकॉट कब किया गया कितना अर्सा जारी रहा और किस नबी में हुई यानी किस नबी में हुई और कितने साल रही ये बायकॉट 3 साल 2.5 साल ठीक है 3 साल और किस नबी में हुई 7 जी बिल्कुल 7 से 10 3 साल या 2.5 साल सवाल नंबर 10 सफ़र तायफ कब किया उसके किस नबी में हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के साथी का नाम जो हजरत तायफ गए थे ना उनके आपके साथ कौन थे और किस नबी में आपने दावत के लिए निकले ये अजय शायद 10वीं है और जो साथी थे जैद थे कौन से साथी जैद जैद बिन हारिस जैद बिन हारिस सही जवाब सही जवाब सवाल नंबर 11 शायद में कौन सा कबीला बात था आप पर उस कबीले के गुंडों ने जो हमला किया था तो उसके बाद आप सदस्य जख्मी हालत में किस बाग में बना दी और उस बाग में एक गुलाम है आपको अंगूर का गुच्छा पेश किया उसका नाम बताइए कबीले का नाम यहाँ पे जो गुंडे थे और गुलाम का नाम जिसने आप रियाज भाई आप एक बताएं एक अपना नाम आप गुलाम का नाम था अद्दास ठीक है आपका हो गया दूसरा ताइफ का कबीला पूछे थे हाँ बनी सकीफ सवाल नंबर 12 इंशाल्लाह गार सौर में हजरत बुबकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम जो आपके लिए दूध लेकर आता था उसका नाम बताइए गुलाम था बेटा था वो दूध अपने चरवा आता था ना चरवाया जो बकरियां लेकर आता था इन लोगों के पांव के निशाना पूरे मिट जाते थे ये उनका नाम आमिर बिन मुहैरा। सवाल नंबर 13 मस्जिद तकवा किसे कहते हैं मस्जिद तकवा जो मदीना मनोरम मस्जिद है और तकवा उसका
سوال نمبر 14, دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ کون سا ہے, وہ کس عیسوی میں ہوا؟ کس عیسوی میں ہوا؟ عیسوی, اچھا اس میں جو سیرت میں لکھا ہے جی میثاق مدینہ ہے اور 622 عیسوی. ٹھیک ہے, لیکن نبوی ایئر بھی ہم بول سکتے ہیں نا, وہ 11th میں ہوا غالباً, کیونکہ ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا. سوال نمبر 15 جی, تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوا, کس ہجری میں اس کا ذکر, کون سے سورہ میں ہے, کون سے سورہ میں اس تحویل قبلہ کا ذکر ہے اور کون سی ہجری میں؟ سورہ آل عمران میں ہے. ٹھیک ہے, ہجری کون سی جی؟ ہجری کا سال تیسرا سال ہے جی. میرے پاس جواب ہے جی, 2 ہجری میں ہوا اور سورہ بقرہ میں, اور مہینہ جو تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا. صحیح. سوال نمبر 16, غزوہ بدر کب اور کس ماہ میں ہوئی, سوال نمبر 17, غزوہ بدر کے وقت مدینہ منورہ کی ذمہ داری کس کے سپرد کی گئی, ان کا نام ہو؟ حضرت عثمان علم نبینا تھے. سوال نمبر 18, صحابہ نے اپنے رشتے داروں کا قتل غزوہ بدر کی واپسی پر کیا, ان کے نام بتائیے, یعنی کون سے صحابہ نے ان کے کس رشتے دار کو قتل کیا؟ 2 صحابی ہیں, انہوں نے اپنے رشتے داروں کو قتل کیا. سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن, یہ ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے ہی والد کو یعنی کہ قتل کیا. وہ تو وہاں پہ غزوہ میں قتل کیا تھا. اچھا, یہ واپسی کے راستے میں جب حکم دیا نا کہ ہم ان کو جو ہے نا سزا دینی, جن کی گرفتاری کے بعد, اس میں ہاں جی گرفتاری کے بعد حضرت عمر کا بھی آتا ہے. حضرت عمر کا, انہوں نے اپنے ماموں کو کیا. ماموں اور دوسرا تو نہیں معلوم. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 19, غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. نہیں سر, یہ بیسک چیزیں, بنیادی چیزیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو. مگر سر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے عتبہ بن ربیعہ کا نام لیا اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حذیفہ نے قتل کر دیا, ایسا بالکل بھی نہیں. جب سورۃ یہ اپنا بیٹل آف بدر شروع ہوئی نا, تو پہلے انڈیویجول فائٹنگ ہوتی تھی, تو اس میں ابو حذیفہ کا جو باپ تھا وہ تھا عتبہ بن ربیعہ, وہ اس کی لڑائی تھی حضرت حمزہ سے, اس میں وہ مارا گیا. تو آپ ایسے تو نہیں کریں گا. صحیح, یعنی غزوہ کے اندر وہ جیسے ہی سٹارٹ ہوئی نا جنگ, سامنے آئے ان کے تو تین ان کے آئے, ایک وہ تھا عتبہ بن ربیعہ, اس کا بھائی بھی تھا شیبہ, اور اس کا بیٹا تھا ولید بن عتبہ. تو انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم سے کون اوور کانفیڈنس میں, کہ ہم سے کون لڑ سکتا ہے, وہ تو چیمپئن تھے شاید. تو پھر وہ پہلے تو انصار میں سے 3 نوجوان آ گئے, تو انہوں نے اوور کانفیڈنس میں کہا کہ یہ کیا ہے, کوئی چیمپئن آئے. تو پھر ابو حضرت حمزہ نے ایزیلی عتبہ کو مار دیا, ولید نوجوان تھا تو اس کو حضرت علی نے بڑے آسانی سے مار دیا, اور تیسرا تھا شیبہ, تو اس کو ایک حضرت ایک صاحب ہی تھے ابو عبیدہ, تو بڑی ڈفیکلٹی, بہت ٹفسٹ فائٹ تھی, وہ ٹفسٹ تھی, تو وہ بھی زخمی ہوئے اور وہ شہبہ بھی مارا گیا. جی, مقصد ہے کہ سیرت کا, واقعی سیرت کا جو پڑھنا جو ہے نا بھی ضروری ہے, جاننا چاہیے.